पपाया फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, रिंकल्स, सबका एकमात्र ट्रीटमेंट है वो है पपाया। और पपाया इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपने देखा होगा मार्केट में कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं होगा जिसने पपाया को यूज़ ना किया हो। पपाया हेयर मास्क, पपाया फेस वॉश, टोनर, क्रीम्स, जेल्स, हेयर मास्क, शैम्पू, हर चीज़ में पपाया है। मतलब पपाया के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पपाया में होता है विटामिन ए, बी, सी और भर भर के होता है। इसके साथ इसमें एक एंजाइम होता है पेपिन नाम का, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसको खाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप रोज़ पपाया अगर खाते हो तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और डाइजेशन अच्छा है तो स्किन पर ग्लो आना ही आना है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अभी मैंने सोचा कि यार इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा है कि मैं अपने फेस पे डायरेक्ट पपाया ही अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ खाती तो हुई तो उसको ही थोड़ा सा एक पीस लेके अपने फेस पे लगाना शुरू कर देती हूँ। और इसको जब से मैंने फेस पे लगाना शुरू किया, मेरे फेस पे काफ़ी डिफरेंस मुझे नज़र आया। तो मैं इसको एक टाइम ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि दिन भर ही लगाते रहना है। एक बार आप दिन में किसी भी टाइम पे इसकी अच्छे से फेस पे मसाज कर लीजिए, एक दो मिनट तक इसको फेस पे लगे रहने दीजिए और फिर फेस वॉश कर लीजिए। मैं इसको जब भी फेस वॉश करना होता है ना, तो मैं इसको ही रब कर लेती हूँ अपने स्किन पे और काफ़ी अच्छे से इसको रब करती रहती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन की सारी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाए, स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाए, मुझे अलग से फेस वॉश लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो पपाया है ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी स्किन टाइप है आपका, आप पपाया को अपने फेस पे लगा सकते हैं और इसमें और सारी चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पपाया अपने फेस पे लगा लो, आपको फेस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। अब मैं जो भी होममेड या होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ उसमें ज़्यादा झंझट नहीं पालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान जो चीज़ें होती हैं वो करना पसंद है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही पपाया को अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और आपको दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, सनबर्न हुआ है, जैसे कि अभी गर्मियाँ हैं तो सनबर्न, सन टैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे में आप पपाया को यूज़ कर सकते हैं। और पपाया आइस क्यूब भी बना के यूज़ कर सकते हैं, पर वो भी झंझट क्यों करना, डायरेक्ट ही पपाया को लेके आप अपने फेस पे लगाना शुरू करो। वन वीक में ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका जो स्किन टोन है काफ़ी एक दो शेड लाइट हो जाएगा, दाग धब्बे लाइट हो जाएंगे और रिंकल्स के प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ड्राई स्किन वाले अगर इसको लगाते हैं तो ड्राइनेस को भी ये कम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने के बाद कुछ भी आपको मतलब चिनचिन नहीं होता है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, इसलिए इसको आप कोई भी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बार पपाया को अपने फेस पे लगा के ज़रूर देखना और एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा ही आपको चेहरा क्लीन लगेगा, पर जब आप इसको वन वीक तक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और सारे आप ये मार्केट में जो क्रीम्स आती हैं, जेल्स आती हैं, जो पपाया होता है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही पपाया यूज़ करके उन सारी चीज़ों की कमियों को दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।